हीरो हीरो क्या कहा रणवीर सिंह ने रामचरण के बारे में? कौन है दीपिका पादुकोण की इंस्पिरेशन? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के दिलचस्प गलियारे में। एसएस राजामौली द्वारा डायरेक्टेड सिनेमैटिक मिरेकल ट्रिपल आर जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ट्रेलर ने दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। जहां फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हर अगला शख्स फिल्म को लेकर एक्साइटेड है, ऐसे में ऐसा लगता है कि रणवीर सिंह भी फिल्म के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि एक लाइव सेशन के दौरान उन्होंने भी फिल्म को लेकर अपनी एक्साइटमेंट व्यक्त की। एक्टर ने ट्रिपल आर के गीत नाटो नाटो के बारे में बात की और बताया कि वो भी दर्शकों के साथ इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। बता दें, फिल्म के इस गाने में एक्टर्स रामचरण और जूनियर एनटीआर ने एक जमकर नाचा है। रणवीर सिंह रामचरण की तारीफ करते हुए उन्हें बीस्ट कहने से खुद को रोक नहीं पाए। सोशल मीडिया पर अपने लाइव सेशन के दौरान अभिनेता ने फिल्म का नाटो नाटो गीत गाया और दर्शकों को ये एक्साइटिंग म्यूजिक पसंद आया। रणवीर सिंह रामचरण के काम के बहुत बड़े फैन लगते हैं और लंबे समय से उनकी सराहना कर रहे हैं। यहां तक कि मेगा स्टार चिरंजीवी ने भी गाने की तारीफ करते हुए रणवीर की एक क्लिप ट्वीट की है और उन्हें अद्भुत बताया। हैशटैग रामचरण एक अल्टीमेट बीस्ट और कंप्लीट मशीन है। हैदराबाद के मेरे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक। जब से मैंने मगध हीरा देखी है तब से मैं उनसे प्यार करता हूं और मैं ट्रिपल आर मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। रणवीर ने सोशल मीडिया के जरिए बताया। ट्रिपल आर डीवीवी एंटरटेनमेंट के डीवीवी दान्या द्वारा अभिनीत एक तेलुगु भाषा की फिल्म है जो 25 मार्च 2022 को अपनी नाटकीय रिलीज करने के लिए तैयार है। ट्रिपल आर में रामचरण जूनियर एनटीआर आलिया भट्ट और अजय देवगन मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये काल्पनिक रिलेटिंग है। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम के जीवन में रामचरण और जूनियर एनटीआर द्वारा निभाई गई। एसएस राजामौली के निर्देशन में बने इस फिल्म को उनके पिता केवी विजेंद्र प्रसाद ने लिखा। महान संगीत निर्देशक एमएम कीरवानी फिल्म के लिए धुन तैयार कर रहे हैं। हालांकि रणवीर की धर्मपत्नी दीपिका पादुकोण, जो इस समय प्रभास के साथ काम कर रही हैं, ने खुलासा किया कि वो जूनियर एनटीआर को लेकर जुनूनी हैं। तेलुगु पावर हाउस ने अपने करियर में कुछ यादगार प्रदर्शन किए हैं। इनमें अरविंद स्मिता, वीरा राघव और जय लव कुश शामिल हैं। जूनियर एनटीआर फिलहाल ट्रिपल आर की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में अपनी फिल्म गहराइयां के प्रमोशन के हिस्से के रूप में दीपिका ने खुलासा किया कि वो जूनियर एनटीआर के साथ काम करना चाहेंगी। उन्होंने पुष्पा द राइज स्टारर अल्लू अर्जुन का भी नाम लिया। मुझे इनके साथ काम करना अच्छा लगेगा और मुझे उम्मीद है कि ये किसी के बीच दंगा या लड़ाई की तरह नहीं है, लेकिन मुझे जूनियर एनटीआर और अल्लू अर्जुन के साथ काम करना अच्छा लगेगा। मैं इस समय जूनियर एनटीआर को लेकर जुनूनी हूं। उनकी पर्सनैलिटी इनक्रेडिबल है। वहीं जब उनसे पूछा कि वो किस फिल्म निर्माता के साथ काम करना चाहेंगी तो उन्होंने कहा, मैं राजामौली के साथ काम करना चाहती हूं। साउथ इंडिया की फिल्में सीमाओं को लांग रही हैं और अपने रीजन से पूरे दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो रही हैं। पुष्पा द राइज इसका फ्रेश एग्जाम्पल है। फिल्म ने न केवल तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू चलाया है बल्कि हिंदी वर्जन के साथ बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए के कलेक्शन को भी पार कर लिया है। कई अभिनेताओं और क्रिकेटरों ने फिल्म की प्रशंसा की है। अधिक से अधिक सितारे दक्षिण की विभिन्न रीजनल फिल्मों के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आलिया और अजय जहां ट्रिपल आर का हिस्सा है, वहीं रवीना टंडन और संजय दत्त बहुप्रतीक्षित कन्नड़ फिल्म KGF 2 का हिस्सा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दीपिका राजामौली के साथ एक फिल्म हासिल करती हैं और उन्हें जूनियर एनटीआर के साथ अभिनय करने का मौका मिलता है या नहीं। आपको कैसी लगी ये जोड़ी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।